अलैकुम। हम फाइंड आउट कर रहे थे रोटेशनल इनर्शिया ऑफ आ रोड। उसमें हमने एक रॉड लिया, रॉड की लेंथ, और हम इसके फाइनल फार्मूला तक पहुंच चुके थे। इंटीग्रेट से स्टार्ट कर रहे थे हमने स्मॉल पैच के लिए, एक स्मॉल एलिमेंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। फॉर स्मॉल पैच दोनों तरफ इन डेरिवेटिव लेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे डेरिवेटिव को ख़त्म करने के लिए। और यहाँ पर हमने लोअर लिमिट पुट की और अपर लिमिट पुट की। अब जो लोअर लिमिट पुट की अपर, अब ऐसे करें इसको आई इज इक्वल टू एम थ्री एल, पहले अपर लिमिट पुट कर देते हैं। अपर लिमिट पुट करने से क्या होगा देखते हैं। एल ओवर थ्री क्यूब माइनस, और ये माइनस ये एल ओवर सॉरी टू इसका भी क्यूब। सॉल्व करते हैं आई इक्वल टू एम थ्री एल, एल क्यूब टू टू ज़ार फोर, फोर टू ज़ार एट, एल क्यूब माइनस ही रहेगा टू टू ज़ार फोर, फोर टू ज़ार एट आई इक्वल टू एम थ्री एल, एल थ्री ओवर एट माइनस माइनस प्लस एल थ्री ओवर एट आई इक्वल टू एम थ्री एल। एल सी एम एल थ्री प्लस एल थ्री कितना हो जाएगा एम थ्री एल टू एल थ्री ओवर एट, टू वन ज़ार टू, टू फोर ज़ार एट, तो एक एल से कैंसल कैंसल, तो आई इक्वल टू वन ओवर ट्वेल्व एम एल स्क्वायर। तो हमें मालूम कर लिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड। ये रॉड का क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बस आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। कैलकुलेशन में सबसे पहले आप क्या याद रखना है कैलकुलेशन में, कि पहले इसका आप मालूम करोगे डेंसिटी। डेंसिटी बराबर है कैपिटल मास और कैपिटल वी के लिए, ये होल रॉड की है। अब इसमें होल रॉड का एरिया है, वॉल्यूम आएगा वी एरिया, और एल है इसकी लेंथ। अब हमने इसको एक इक्वेशन कंसिडर कर लिया है। अब हम स्मॉल पैच के लिए, और स्मॉल पैच एलिमेंट, फॉर स्मॉल पैच एलिमेंट हमने क्या किया है डेरीवेट को यहाँ पे डी डी लिख दिया है। अब इसको तो मल्टीप्लाई वहाँ कर दिया, तो डी एम बराबर है रो के। अब जो रो है पहले मैंने मालूम किया एम ए एल, यहाँ पे एम ए एल पुट कर दिया है। और स्मॉल पैच का जो एरिया होगा डी वी, वो क्या होगा स्मॉल पैच का एरिया डी वी, वो बराबर होगा इसके एरिया के और डी एक्स के, ठीक है डी एक्स के और इसका एरिया क्योंकि लैंड डी एक्स है इसकी। ओके जी, ये भी आप बात याद रखनी है, ए से एरिया से एरिया कैंसिल हो चुका था और एम एल डी एक्स बचा यहाँ पे। आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर फॉर स्मॉल पैच एलिमेंट, हमने डी आई इक्वल टू डी एम एक्स स्क्वायर और यहाँ पे इंटीग्रेट किया। पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे डी आई इक्वल टू डी एम एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट चन से डेरिवेटिव कैंसिल, और यहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट एम एल एम ओवर एल एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे हमने कॉन्स्टेंट टर्म्स को बाहर निकाला, यहाँ पे फिर लोअर लिमिट पुट की एंड फिर अपर लिमिट पुट की। तो इसके बाद एम ओवर एल, एल क्यूब ओवर थ्री, एल ओवर टू, फिर यहाँ पे वन ओवर थ्री को बाहर लिया क्योंकि कॉन्स्टेंट था, कॉन्स्टेंट को बाहर लेकर पहले अपर लिमिट पुट की एक्स की जगह एल ओवर टू होल का क्यूब माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में भी माइनस है, माइनस एल ओवर टू होल का क्यूब। अब एम ओवर थ्री एल और एल थ्री टू टू ज़ार फोर, फोर टू ज़ार एट, टू टू ज़ार फोर, फोर टू ज़ार एट, यहाँ भी एट आ गया, माइनस माइनस प्लस हो चुका है। अब यहाँ पे इन दोनों का अगेन लेंगे एल सी एम, एल सी एम, एल सी एम लेने के बाद यहाँ पे दोनों सेम है, तो यहाँ पे टू एल क्यूब ओवर एट, एल से एक एल कैंसिल, तो यहाँ पे एल टू बचना है और टू वन ज़ार टू, टू फोर ज़ार एट, यहाँ पे कट आउट हो चुका है, थ्री फोर ज़ार ट्वेल्व। तो आई ओवर आई इज़ इक्वल टू वन ओवर ट्वेल्व एम एल स्क्वायर। बस आप जो मेन पॉइंट्स हैं इस फार्मूलाज के लिए, पहले मालूम करनी है डेंसिटी होल रॉड की, फिर दोबारा मालूम करनी है नंबर टू डेंसिटी पैच एलिमेंट की, पैच एलिमेंट की या स्मॉल एलिमेंट की। नंबर थ्री जो मालूम करोगे पैच एलिमेंट की डेंसिटी, इसको उसमें पुट कर दोगे, ठीक
उसके बाद लोगे डेरिवेटिव, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोगे, उसके बाद इंटीग्रेट करोगे और फिर आंसर आ जाएगा। ओके okay?